सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग रोल की रेसिपी है, जल्दी से शुरू करेंगे इसको। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है, ठीक है। इसके साथ मैं पहले जो इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी वो है जो स्प्रिंग अनियन होती है उसका वाइट पार्ट, ठीक है, ये आपने डाल देना है। और जस्ट अ मिनट इसको सौते करना है, सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। ये सौते हो रही है फॉर अ मिनट। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और बस हमने थोड़ा सा ही इसको कुक करना है। और मैंने यहाँ स्ट्रिप में 1 चिकन ब्रेस्ट अराउंड 150 ग्राम का मैंने काटा हुआ था, स्ट्रिप्स में बारीक काट लिया था इस तरह से। और इसको अब मैं कुक करती हूँ। ये तकरीबन 4 to 5 मिनट कुक होगा और ये चिकन रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर एज रिक्वायर्ड, जैसे आपको पसंद हो टू दी टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाली है। साथ में ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेपर 1/4 टीस्पून और टू दी टेस्ट, ठीक है। और जाएगा इसमें साथ नमक, मैं इस वक्त थोड़ा डालूंगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने एक दो चीजें और इसमें डालनी है तो उसमें नमक होता है। साथ में गाजर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है चिकन कुक होने के बाद, अब मैं थोड़ी मीडियम कर दूंगी, मीडियम लो हीट पे। अब मैं इसे 3 to 5 मिनट्स कुक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 1 मिनट कुक हुई है। कैरेट गाजर जो मैंने डाली थी, ये तकरीबन 1/2 कप कैरेट है, मीडियम साइज की कैरेट है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। चिकन है वो भी जूलियन कट हुआ है 150 ग्राम। और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड किया है। इसको आप थोड़ा सा कम ज्यादा टू दी टेस्ट कर सकते हैं। साथ हॉट सॉस अबाउट 2 टेबलस्पून और एज रिक्वायर्ड। और साथ सोया सॉस है, मीडियम है, ये मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी और एज रिक्वायर्ड जितना आप पसंद करें, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा इसमें चल जाता है। ये डाला है मैंने और साथ मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, चिकन पाउडर। ये मस्ट जाएगा अबाउट 1 टीस्पून, इसीलिए मैंने नमक थोड़ा कम रखा था। ये जब रेडी हो जाएगा हम चख लेंगे, अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम मजीद ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो बंद गोभी होती है, कैबेज 1 कप। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन अनियन, क्योंकि इसको हमने ज्यादा कुक नहीं करना। ये तकरीबन मैंने एक बंच लिया था, यानी 1/2 कप से थोड़ा कम है ग्रीन अनियन, ठीक है। इसको आराम आराम से, पैन अगर बड़ा हो तो ज्यादा इजी है मेरा। अभी ये इस वक्त आपको लग रहा है फ्लफी सा, ये थोड़ी देर में बैठ जाएगा नीचे। ये अब श्रिंक होना शुरू हो गई है कैबेज, ठीक है। और आफ्टर 2 मिनट्स मैं बिल्कुल चूल्हा बंद कर दूंगी। इस वक्त मैंने मीडियम हाई फ्लेम की हुई है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, हल्की आंच नहीं करेंगे क्योंकि वो पानी छोड़ती है वेजिटेबल जो है, इसलिए हमने इसको मीडियम हाई पे कुक कर लेना है फॉर 2 मिनट्स। ये बिल्कुल डन है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसका नमक और पेपर जो है वो साल्ट एंड पेपर टेस्ट कर सकते हैं, अगर समझ जाती हो तो ऐड कर सकते हैं। इसको बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी और खुला रखना है इसको, आपने ढकना नहीं है वरना सौगी हो जाएगा, सारा पानी पानी छोड़ देगी सारी सब्जी। तो ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं फिलिंग आपको करते हुए दिखाती हूँ। ये मैंने
पट्टी ली है चकोर और जरा बड़ी पट्टी है, ठीक है। आपने इसको यहां से इस तरह से बंद करना है, फिर यहां से करना है और फिर यहां से कर लेना है ऐसे, ठीक है। और अब आप इसको फोल्ड कर लें, यहां से दबाएंगे और ये आराम से फोल्ड होता जाएगा। जगह बिल्कुल साफ सुथरी है। और कोई क्वेश्चन हो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस तरह से आप, मैं बाकी भी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जबरदस्त स्प्रिंग रोल तैयार हैं। इनको आपने डीप फ्राई करना है तो आप फौरी तौर पे भी कर सकते हैं, मैं इनको फ्रीज कर रही हूँ। ये रमजान में बहुत अच्छे लगते हैं, टी टाइम पे भी आप ले सकते हैं। सिंपली आपने डीप फ्राई के लिए थोड़ा सा पैन में ऑयल डालना है जिसमें ये डीप फ्राई हो जाए आराम से, और डाल के उसको मीडियम हीट देनी है और साथ एक एक करके डालते जाना है, और जब गोल्डन हो जाएंगे तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये पट्टी है जो सेल्फ एडहेसिव है, यानी कि ये खुद ही जुड़ जाती है, लेकिन कुछ पट्टियां ऐसी भी आती हैं जो साथ नहीं जुड़ती, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े से मैदे की लई बना के, जैसे आटा होता है उस तरह से, वो उसके कॉर्नर्स पे लगा के लास्ट में उसको हम यहां से बंद कर सकते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव है, ये नहीं खुलती, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मज़ीद रेसिपीज़ भी बहुत सारी रखी हुई हैं और आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।